उज्जैन में 29 अप्रैल से शुरू होने वाली पंचकोशी यात्रा इस बार सामाजिक संस्थाओं की मदद से संपन्न की जाएगी। उज्जैन में 29 अप्रैल से पंचकोशी यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। 118 किलोमीटर की यह यात्रा 5 पड़ाव की होगी, इसमें लगभग 2 लाख श्रद्धालु शामिल होंगे। इसकी व्यवस्था सालों से प्रशासन करता आ रहा है। हर साल निकलने वाली पंचकोशी यात्रा पर जिला पंचायत का 20 से 30 लाख का खर्च होता है, लेकिन इस बार जिला प्रशासन ने नई पहल करते हुए पंचकोशी यात्रा को निजी सहयोग कराने का फैसला लिया है। इसको लेकर उज्जैन की कई सामाजिक संस्थाएं आगे आई हैं। प्रशासन के इस कदम से इस बार पंचकोशी यात्रा में प्रशासन का 25 लाख से अधिक का खर्च बचेगा। जिला प्रशासन ने इसी के साथ पंचकोशी यात्रा के दौरान मतदान कैंपिंग का भी प्लान बनाया है। प्रशासन ने यात्रा में आने वाले लोगों को चुनाव के दौरान किस तरह वोटिंग करना है, इसके लिए जगह जगह वोटिंग मशीन के माध्यम से प्रचार करने की तैयारी की है, जिससे मतदाता जागरूक हो सके। इस बार पंचकोशी यात्रा 29 अप्रैल से 3 मई तक चलेगी और ये पंचकोशी यात्रा में पहली बार हो रहा है कि ये यात्रा पूरी जन सहयोग से, कारपोरेट से, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से आयोजित की जा रही है। लगभग हर साल इसमें 20 से 25 लाख रुपए का जो शासकीय व्यय होता है वो इन संस्थाओं के द्वारा इस यात्रा को आयोजित करने की व्यवस्थाओं को करने से ये पूरा व्यय बच जाएगा और शासन का इसमें किसी भी तरह का कोई व्यय नहीं होगा।